सर ने स्टिकर भी दिया है हमको ये और ये लगाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का ये वीडियो किसी ऑटोमोबाइल के टॉपिक पे नहीं है, पर ये ऑटोमोबाइल से ही रिलेटेड वीडियो, क्योंकि मैं बहुत ही जाने माने ऑटोमोबाइल यूट्यूबर से मिलने की कोशिश करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मुझे नहीं पता वो मुझे मिलेंगे कि नहीं। उनका नाम है गगन चौधरी, आप लोग जानते ही होंगे उनको, काफ़ी उनके फेमस हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूट्यूब पर, और आप लोग ने ज़रूर अगर मुझे सब्सक्राइब कर रखा होगा तो पहले से उनको कर ही रखा होगा, तो आप लोग उनको ज़रूर जानते हैं, मुझे पता है। तो मैं उनको, वो अभी इस वक्त लखनऊ में है एंड मैं फैज़ाबाद में हूँ अयोध्या में, तो वो लखनऊ से पटना जाएंगे एंड वे में फैज़ाबाद पड़ेगा, तो मैं हाईवे पे पोस्टर लेके खड़ा रहूंगा वहां पे उनके साथ। मैंने एक पोस्टर बनाया हुआ है, ये ऐसे है कुछ, ताकि अगर वो इसे पढ़ेंगे तो वो रुक जाएंगे तुरंत। हैशटैग गगन भाई करके मैंने ये बनाया हुआ है पोस्टर बड़ा सा, तो ये मैं पकड़ के खड़ा रहूंगा हाईवे पे। तो लेट सी कि आज वो मिलते हैं कि नहीं मुझको, और मैं चल के देखता हूँ। एंड मुझे अंदाज़ा है कि वो 8 बजे तक आएंगे, 8 क्रॉस करेंगे फैज़ाबाद को, तो मैं अगर उनसे मिलूँगा तो आपको ज़रूर वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं पहले हाईवे पे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं हाईवे पे हूँ, मैं मिलने आया हूँ इस वक्त गगन चौधरी से। वो अभी यहीं से क्रॉस करेंगे, मैं उनके लिए ये बोर्ड लगा के हैशटैग गगन भाई का खड़ा हूँ, और देखते हैं वो मिलते हैं कि नहीं। अभी आगे पता चलेगा वीडियो में आपको। और लाइट से कुछ पता नहीं चल रहा है कार्स की कि कौन आ रहा है, बट लोग मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं, भाई ये कर क्या रहा है बंदा यहाँ पे खड़े होके, ऐसे अजीब तरीके से कागज का बोर्ड पकड़ के ऐसे। इसलिए मैंने हैशटैग गगन भाई लिख दिया, वो भी देखेंगे तो रुकेंगे ज़रूर, बस उनका ये दिख जाए बोर्ड तो वो रुक जाएंगे। तो चलिए वो मिलेंगे तो मैं वीडियो में ज़रूर लूँगा उनको। तो मैं वेट कर रहा था बहुत देर से, सर मिल गए मुझको, तो सर फ्रेम में आ जाएंगे। तो सर एटलीस्ट मिल गए मुझको, सर ने बोर्ड दे दिया या ना, तो सर मिल गए कार स्टॉप प्लीज। अरे भाई बहुत अच्छा लगा मिलके, और भाई पता है आपको ठंड लग रही है ना। लग रही है। खैर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इनको सब्सक्राइब कीजिएगा, इनकी मेहनत जो है वो बढ़ती जाएगी अगर आप इनको जो है और ज्यादा मोटिवेशन देते जाओगे और पूछते रहोगे कि क्या ये टॉपिक पे बनाओ वीडियो, वो टॉपिक पे बनाओ। बाय द वे मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में मिलके बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको कुछ स्टिकर्स दूंगा जो कि अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो आप उनको दे सकते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं गगन सर से मिल लिया, और उन्होंने प्रोबेबली कार रोक दी, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया उनकी कार पे, वरना मैं हर एक कार पे ध्यान दे रहा था थोड़ी देर पहले, पर मैं एकदम थक गया था तो मैं उस वक्त ध्यान नहीं दे रहा था, बट उन्होंने वो पढ़ लिया बोर्ड और उन्होंने कार रोक दी। और उसके पहले क्या हुआ था कि मेरी कार में हैजार्ड लाइट्स ऑन थी, पार्किंग लाइट्स ऑन थी, और अंदर मेरे भाई ने, छोटे वाले ने गाने चला रखे थे, और मैंने ध्यान नहीं दिया, कार बैटरी पे इतना सब यूज़ हो रहा था, तो कार की बैटरी जो है बहुत देर से यूज़ हो रही थी, 1 घंटे उस पर गाने बज रहे थे, लाइट जल रही थी, सब कुछ, तो बैटरी एकदम डाउन हो गई कार की। मैंने बटन दबाया अंदर आके तो कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, सर के आने के पहले ये सब कुछ हुआ। तो हाईवे पे फिर मैंने ढलान पे कार को ढकेला और फिर कार स्टार्ट हो गई। मैंने सोचा कि अब लग रहा है सर शायद दूसरी रूट से चले जाएंगे, तो मैं फिर घर जाने वाला था, तो मैंने सोचा कि 8 बज रहे थे उस वक्त, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर रुक के देखते हैं कि शायद अब सर आ जाएं। तो मैं फिर से बोर्ड लेके वैसे ही खड़ा हो गया हाईवे पे, एंड फिर मैंने अंदर गाड़ी में टाइम देखने के लिए मुड़ा, मैं जैसे ही बाहर आया तो देखता हूँ सर की कार रुकी आके, तो मैं भाग के पूरा गया, और आपने फिर पूरा वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं कि क्या हुआ। एंड सर ने मुझे ये, सर ने कहा था कि वो जिन लोगों को मिलते हैं उनसे स्टिकर्स दे रहे थे, ये राइड सेफ वाले, फोर्ड वाले, एंड ये स्टिकर्स काफ़ी, मतलब सर ने मुझे बहुत सारे दिए हैं, और ये मैं अब लोगों को भी दूंगा कि वो सेफली ड्राइव करें। एंड सर की जो काफ़ी अच्छी है कोशिश है लोगों को समझाने की कि आप थोड़ी कर्टसी रखिए ड्राइविंग करते वक्त, कि आप थोड़ा सा देर रुक जाएंगे तो आपको ही जल्दी घर पहुंचने मिलेगा। आपको अगर आप जबरदस्ती कहीं घुसते हैं एंड फालतू की ट्रैफिक मचाते हैं तो उससे आपको भी नहीं फायदा होगा, पीछे वाले भी परेशान होंगे, तो थोड़ी कर्टसी रखे चलाते हो, जैसा कि सर ने भी वीडियोस में बताया है अपने। एंड सर ने मुझसे काफ़ी देर बात की, एंड सर काफ़ी देर टाइम भी दिया, सर ने मुझको बीच हाईवे पे हम लोग खड़े होकर बात की, हमने फ़ोटो वोटो क्लिक की, और बहुत, मतलब 20-25 मिनट तक हम लोग बात करते रहे बीच हाईवे पे।
एंड मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर रुकें थोड़ी देर और यहाँ पे हमारे साथ डिनर करके जाएं, बट सर के पास उतना टाइम नहीं था क्योंकि उनको पटना पहुँचना था। तो फिर सर चले गए, एंड सर अब सितंबर में जब सर प्लान कर रहे हैं यूपी की राइड, तो सर जब यूपी में आ जाएंगे तब सर को मैं मिलूंगा, सर से मिलूंगा मैं, एंड सर के साथ मैं और राइड्स पे जाऊंगा। मैं मोस्ट प्रोबेबली सर के साथ मुझे जाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, एंड हाँ सर ने मुझको एक बहुत स्पेशल गिफ्ट दिया जो वो किसी को दे नहीं रहे थे। ये उन्होंने मुझको दिया ये फोर्ड का वो पूरा बड़ा वाला स्टिकर कार्ड सी वाला, ये बड़ा वाला है, ये सब छोटे हैं और ये उसका बड़ा वाला है पूरा। सर ने मुझे निकाल के दिया, अंदर दबा हुआ था, एंड सर ने मेरे साथ खूब अच्छे से मुझे टाइम दिया, एंड सर बिल्कुल पोलाइट है, बहुत अच्छे हैं। एंड मेरा एग्ज़ाम सर कल, तो सर ने बेस्ट ऑफ लक मुझे अच्छे से बोला, एंड फिर सर चले गए। एंड उसके बाद काफ़ी ठंड थी वहाँ पे, जैसे कि सर बोल भी रहे थे वीडियो में, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे सर से मिलके। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तो सर भी कह चुके हैं वीडियो में आके, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मैं आपके लिए और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड तो वीडियोस लाते ही रहता हूँ, और कुछ ऐसे रैंडम ब्लॉग्स भी लाता रहूँगा, और भी यूट्यूबर्स मुझसे मिलते रहेंगे तो मैं ऐसे ब्लॉग्स भी लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनी, हेलमेट पहनी, एंड सेफ चलिए, गुड बाय।